दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इस टॉपिक के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं कि किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री से वो कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हर वीडियो की तरह आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, तो इसलिए वीडियो में लिखने की ज़्यादा समझने और पढ़ने पर फोकस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एडजेक्टिव को या जब उसके हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं, हम किस तरह से पॉजिटिव डिग्रीज के वर्ड्स जो भी हैं या हमारे एडजेक्टिव्स हैं उनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल के साथ। पहला रूल है हमारा बाई एडिंग ER एंड EST इन सम एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री वी मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री के कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम सिंपली ER या फिर EST जोड़ करके उस पॉजिटिव डिग्री का हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं हम देख लेंगे। इसमें हमारी लिस्ट में दिया हुआ है कोल्ड, तो COLD कोल्ड है, उसमें हमने बस ER ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कोल्डर हो गया। उसी तरह EST ऐड कर दिया तो वो हमारा कोल्डेस्ट हो गया। तो कोल्डर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री हमारी होगी कोल्डेस्ट। इसी तरह से डीप का डीपर डीपेस्ट, ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट, हाई का हाइयर हाइएस्ट एंड स्मॉल का स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल में हमारे लिखा हुआ है कि इफ़ द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद ई, ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव डिग्री का हमारा एडजेक्टिव है वो अगर ई के साथ एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वी सिंपली एड आर एंड EST टू मेक इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अगर ई से एंड हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि केवल आर और ST, यहाँ पे माफ कीजिएगा EST नहीं होगा, सिर्फ ST ऐड करके हम उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। वो कैसे होगा, ब्रेव है तो ब्रेव में लास्ट में आप देखेंगे BRAVE, लास्ट में E आ गया तो उसका हमने कंपैरेटिव बनाया केवल R जोड़ के और सुपरलेटिव बनाया केवल ST जोड़ के। उसी तरह से लार्ज, ई एंड से एंड ई हो रहा है तो लार्जर लार्जेस्ट। उसी तरह नॉबल का नॉबलर नॉबलेस्ट, वाइज का वाइजर एंड वाइजेस्ट। थर्ड रूल हमारे पास है, इफ एन एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ वाई प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट वी मेक इट्स कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाई रिप्लेसिंग वाई विथ IER एंड IEST रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पॉजिटिव डिग्री में Y से कोई वर्ड एंड हो रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है, वो ये है कि वो प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट हो। मतलब कि जब भी कोई एडजेक्टिव Y से एंड हो रहा हो और उससे पहले कोई और कॉन्सोनेंट आए, वॉवेल नहीं, वॉवेल कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है, तो उनके अलावा जो भी सारी हमारे अल्फ़ाबेट में लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली वाई को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके जगह पर IER लगाते हैं हम कंपेरेटिव बनाने के लिए और IEST लगाते हैं हम सुपरलेटिव बनाने के लिए। कैसे करते हैं, EASY, ईजी, तो इसमें हमने देखा कि लास्ट में वाई आ रहा है जो कि उससे पहले एस है और एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो उसका हमने क्या किया, EAS सेम ऐसे लिखा हुआ है लेकिन हमने Y हटा करके उसके साथ IER लगा दिया, उसके हमारा कंपेरेटिव बन गया। उसी तरह EAS ऐसे लिखा हुआ है, Y हटा करके हमने क्या करा है, IEST लगा दिया तो सुपरलेटिव हो गया। ठीक, इसी तरह हैप्पी में Y हटा दिया, IER हैप्पियर, IEST हैप्पीएस्ट, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। उसी तरह वेल्दियर और वेल्दियस्ट, हैप्पियर हैप्पीएस्ट, माफ कीजिएगा हैप्पी दो बार हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ एन एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय एनी वॉवेल। मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव डिग्री है जब वो एंड हो रहा हो किसी कॉन्सोनेंट के साथ और उससे पहले कोई वॉवेल आया हो तो क्या करते हैं, वी सिंपली डबल द कॉन्सोनेंट
जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है उसको डबल कर देते हैं एंड एड ई आर एंड ई एस टी टू मेक इट्स कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्या करते हैं डबल करने के बाद, उसमें सिर्फ ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं उसे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा है बिग। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जब भी किसी भी पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले कोई भी वॉवल आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसके बाद ई आर ऐड कर देते हैं जिससे हमारा कंपेरेटिव डिग्री बन जाता है और ई एस टी ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिग, बिग में लास्ट में जी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई है जो कि एक वॉवल है, तो जी को हमने डबल कर दिया, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, उसमें ई आर ऐड कर दिया तो कंपेरेटिव हो गया और ई एस टी ऐड करने पर सुपरलेटिव हो गया। सेम फैट, फैटर, फैटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया फोर्थ रूल। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है, इन सम ऑफ द एडजेक्टिव्स वी एड मोर एंड मोस्ट टू मेक देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। मोर और मोस्ट ऐड करके हम कुछ ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री के जिसको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। वो कौन कौन से हमारे वर्ड्स होते हैं, ब्यूटिफुल, तो मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। अब आप यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे कि आप याद इसको कैसे करेंगे कि किस तरह से हमको किन किन एडजेक्टिव्स के पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते टाइम हमको मोर या मोस्ट ऐड करना है और नहीं करना है। आप ध्यान देंगे जितने भी हमारे इससे पहले के जो भी हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं पॉजिटिव डिग्री के, वो सारे वन सिलेबिक थे। वन सिलेबिक मतलब एक ही बार में बोल दिया, जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बिगर का, तो बिग, बिग हमने एक ही बार में बोल दिया, वो एक बार में निकल गया। ठीक है, उसी तरह फैट, फैट एक बार में आ गया हम लोग के प्रोनाउंसिएशन से, रेड, सैड, थिन, हैप्पी, है ना, तो ये सारे वन सिलेबिक वर्ड्स होते हैं। ड्यूअल सिलेबिक जो वर्ड्स होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो जब भी हम ब्यूटीफुल बोलते हैं तो हमको लगता है हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे पहला ब्यूटी दूसरा फुल। ठीक है, उसी तरह डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट ये ड्यूअल सिलेबिक हो गया। ऐसे ही करेजियस, है ना, तो जो भी हमारे वन सिलेबिक होते हैं उसमें मोर या मोस्ट नहीं लगता है, लेकिन जो भी हमारे ड्यूअल सिलेबिक वर्ड्स होते हैं उसमें हम मोर या मोस्ट लगा सकते हैं और उसी तरह से हम उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट रूल की तरफ जो कि सबसे अलग है, आप उसको देखते ही समझ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स इन विच नो रूल्स डज यूज, ठीक है, वाइल मेकिंग देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री से, तो उसमें कोई भी रूल नहीं अप्लाई होता है, वो उनका अपना ही अलग एक पूरा सिस्टम चलता है। जैसे गुड का बेटर, बेस्ट, ये तो आपको सिंपल याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके ऊपर से ये अप्लाई हो। ऐसे ही बैड का वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल का लेस, लीस्ट, मच का मोर, मोस्ट, और मेनी का भी मोर, मोस्ट। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए मच हम जब भी यूज़ करेंगे हमेशा वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। ठीक है, कभी किसी भी काउंटेबल नाउन के लिए हम मच नहीं यूज़ कर सकते। जैसे हम मच किस लिए यूज़ कर सकते हैं, मच राइस, है ना, मच वाटर इन द बॉटल, है ना, उस तरह से। और मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, कैसे, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द पुलिसमैन, मेनी ऑफ द पर्सन, है ना, तो इस तरह से मेनी का यूज़ हम हमेशा काउंटेबल के लिए और मच का यूज़ हम हमेशा अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या फिर ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ हम हमेशा अपने फैमिली पर्सन के लिए करेंगे, है ना, जैसे अपने ब्रदर के लिए, अपने सिस्टर के लिए, अपने ग्रैंडफादर के लिए, अपने फादर के लिए, एल्डर फादर, है ना, उस तरह से। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का हम हर चीज़ों के लिए कर सकते हैं एक्सेप्ट फैमिली, है ना, उनके अलावा जितने भी लोग, जैसे थिंग्स हैं, किसी भी अलग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, राम इज़ ओल्डर देन श्याम, इस तरह से हम कर सकते हैं यूज़ ओल्डर का। तो ये था हमारा कंपेरेटिव से, सॉरी, पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिल जाते हैं हमेशा की तरह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।